सोशल मीडिया के जमाने में रील्स खूब वायरल हुआ। बच्चा बच्चा जहां रील्स बनाते नजर आए, तो वहीं स्कूलों में पढ़ाने आए शिक्षक भी इसमें पीछे नहीं थे। लेकिन अब बिहार शिक्षकों के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। अब अगर बनाया रील्स तो सीधा जाएगी नौकरी। जी हां, बिहार शिक्षकों को लेकर नया आदेश सामने आया है, जो कि अब स्कूल में चल रहे डीजे डिस्को के प्रचलन पर पाबंदी लगाएगा। साथ ही अब कोई भी शिक्षक जीन्स टी शर्ट पहनकर स्कूल नहीं आ पाएंगे। जरा एक नजर इस लेटर पर डालिए, जो कि शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है। इसमें लिखा है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में गतिविधियों की शालीनता प्रकट करने एवं मर्यादित व्यवहार करने हेतु निर्देश दिया गया था, परंतु प्राय ये देखा जा रहा है कि विद्यालय शैक्षणिक संस्थानों में पदस्थापित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी कार्यालय संस्कृत के विरुद्ध अनौपचारिक परिधान में विद्यालय शैक्षणिक संस्थानों में आ रहे हैं। साथ ही आगे लिखा गया कि सोशल मीडिया फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम पर भी अन्य माध्यमों से नृत्य डीजे डिस्को एवं अन्य निम्न स्तर की गतिविधियां विद्यालय परिसर में संचालित होते हुए पाया गया। शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को विद्यालय परिसर में इस तरह का आचरण तथा व्यवहार शैक्षणिक माहौल को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है। ये लेटर जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है। बता दें कि बिहार में स्कूल के टीचरों पर अब सख्ती बरती जाएगी। रील्स बनाने, टी शर्ट, जीन्स या कैजुअल ड्रेस पहनकर स्कूल आने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के डीईओ को पत्र लिखकर यह निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग का मानना है कि टीचरों की तरफ से किए जा रहे इस तरह से काम पढ़ाई का माहौल खराब कर रहे हैं। अब शिक्षा विभाग के इस तरह के फरमान पर बिहार में सियासत भी खूब तेज है। इस फरमान को लेकर अब आरजेडी और बीजेपी आमने सामने है। जरा सुनिए किसने क्या कहा। बिहार से कि स्कूल टीचर है, सरकारी स्कूल के जींस टी शर्ट नहीं पहुंचे पहनेंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फॉर्मल दिखना चाहिए। देखिए, शिक्षकों का दर्जा भगवान से दिया गया, इसलिए शिक्षक जितना सामान्य रहेंगे विद्यार्थियों पर उतना अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन बिहार के हालात को बिगाड़ने में एक खास समाज के लोग लगे हुए हैं। देखिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था एनडीए सरकार में चौपट हो गई। रोज रोज शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के लिए नए नए फरमान आते हैं। कभी कहता है ड्रेस कोड ये होगा, कभी कहा जाता है छुट्टी नहीं होगा। आखिर ये क्या हो रहा है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो मिल नहीं पा रही है, सरकार दे नहीं पा रही है। तेजस्वी यादव जी का देन है, महागठबंधन सरकार में 5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई। तो शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के बदले नया नया फरमान जारी करके मानसिक रूप से शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम शिक्षा विभाग कर रहा है। ऐसे में बच्चों को शिक्षक शिक्षा क्या दे पाएंगे? ड्रेस कोड होना चाहिए, लेकिन इस तरह से बार बार शिक्षा विभाग जिस तरह से फरमान जारी कर रहा है, ये तो उचित नहीं है। तो आरजेडी ने कहा कि एनडीए की सरकार में बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुका है। वहीं गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि समाज का एक तबका बिहार में शिक्षा को बिगाड़ने में लगा है। शिक्षा विभाग के फरमान पर फिलहाल शिक्षकों की तरफ से कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया, पर सियासत में खूब उथल पुथल मची हुई है। बता दें कि स्कूलों में अनुशासन बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या शिक्षकों के जीन्स टी शर्ट पहनने से वाकई में स्कूल का माहौल खराब होता है? आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।